वेल नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। हमारा दिन शुरू होता है 5:30 बजे सुबह उठने से। आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। आज हमारा डेली टारगेट है 10 आवर ऑफ स्टडी। और सबसे पहले हमने टाइम टेबल बनाते हैं एक, और 6 बजे से हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और अब पहला जो आर होता है वो हम देते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल को, उसकी स्टडी को, क्योंकि कल हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो उसकी जो है जो वाइवा है, जो भी प्रैक्टिकल का स्टफ़ है, वो हम पढ़ते हैं अपने दिन के पहले घंटे में। तो पहला घंटा बीत चुका है और हमने पढ़ा है, कम से कम हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स जो है उनकी थ्योरी, उनका प्रैक्टिकल और कंक्लूजन सब हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। और साथ ही तैयार कर ली है हमने गर्मा गर्म चाय ठंड के मौसम में, और साथ में कुछ मैरीगोल्ड बिस्किट्स। तो इन्हें खाते हैं और फिर शुरू करते हैं। सो दिन का दूसरा घंटा मैं देता हूँ अपने कोडिंग को, क्योंकि कोडिंग बहुत ज़रूरी होती है और उसे हम छोड़ नहीं सकते। दिन में 1-2 घंटे हमें कोडिंग रोज़ करनी पड़ती है। तो मैं आज पढ़ रहा हूँ लूप्स। तो चलिए शुरू करते हैं 2nd आवर ऑफ आवर डे। तो लूप्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दिन के अगले आर की तरफ। और इस आर को मैं एक शॉर्ट सेशन के रूप में लेता हूं। इसको मैं 30 मिनट का एक सेशन बनाता हूं, उसके बाद क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना होता है। दिन के इस शॉर्ट सेशन में मैं पढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक और प्रैक्टिकल, और इस तरह से मेरे जो है 4 प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो जाते हैं टोटल। वेल, दिन के इस सेशन को ख़त्म करने के बाद हम जो है अपने 1/4 स्टडी टारगेट पूरा कर चुके हैं। तो हम निकलते हैं थोड़ा सा बाहर, लेते हैं ताज़ी हवा और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं अपने दिन के दूसरे सेशन के लिए। और अपने दिन के नेक्स्ट आर के लिए हमने चुना है कोडिंग करना, और लूप्स का जो लेक्चर हमने शुरू किया उसे फिनिश करते हैं। तो चलिए इस आर को देखते हैं। वेल, आफ्टर दिस 1 आवर सेशन हम लेते हैं एक छोटा सा और 1/2 आवर का सेशन, जिसमें हम अपने इलेक्ट्रिकल की तैयारी फिर से करते हैं। और इस तरह से जो हमारा डेली टारगेट है वो 4 आवर्स तक पहुँच जाता है। और दिन में थोड़ा सा सोने के बाद और रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद हम आ जाते हैं अपने शाम के टाइम पे, और ये हमारा शाम का टाइम टेबल पढ़ने का। और अब मैं बेड पे हूँ तो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा।